नमस्कार, फर्स्ट बाइट डॉट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज एक बेहद अहम मुद्दा हमारे देश के सामने है। हमारे देश में मुसलमानों की जान खतरे में है। भीड़ मुसलमानों पर हमला कर रही है। जंतर मंतर से लेकर शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों को धर्म के नाम पर घसीटा और पीटा जा रहा है। लेकिन इसी बीच जो खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई उसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई हकीकत है क्या। हमारे देश में मुसलमान दहशत में हैं या फिर मुसलमानों की दहशत है। ये सवाल इसलिए क्योंकि मेरठ का प्रहलाद नगर धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। जहां हिंदुओं के 300 मकान हुआ करते थे, उन मकानों का आलम यह हो चुका है कि वो मकान धीरे धीरे घट चुके हैं। और इसके बावजूद जो मकान बचे हैं उन मकानों में भी हर दूसरे और तीसरे मकान पर लिखा है ये मकान बिकाऊ है। चलिए देखते हैं क्या है पूरा माजरा। कल भी दैनिक जागरण के लोग यहाँ पे आए थे, उनके सामने ही यहाँ पर सामान लाद के लोग जा रहे थे। उन्होंने फोटो खींचा कि ये क्या हो रहा है, हम तो मकान छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के चले गए मकान। कई लोगों ने वोट भी लगा दिए हैं। भाई यही माहौल गंदा है और क्या, बस लड़के छेड़ा छेड़ी करते हैं और क्या, कुछ नहीं होता। सामाजिक तत्व यहाँ पर आते हैं और बाइकों पे स्टंट करते हैं, हड़दंग करते हैं, तो इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ की जो लेडीज हैं उसका निकलना भी जो है ना भारी हो जाता है और बहुत दिक्कत की सामना हम लोग करना पड़ता है यहाँ पर। तो इसलिए ये जो मकान का वो है सिलसिलेवार जो है ये स्टार्ट हो गया है। नहीं आते वैसे, वो एक राउंड ले लिया फिर 15 दिन में बहू बेटियाँ, पहले बृहस्पति को, मंगल को, लड़कियाँ कोई सेफ नहीं है, ना मंदिर में जाती है। चल ये निकलती हैं तो छेड़खानी, रात को मैं निकल रही थी तो हमारे आगे ऐसे आ गए। तो हम तो बड़े हैं, एजिड हैं, तो बच्चों की रखवाली कैसी होगी। गली खाली हो रही है इसमें, देखो कि गली में सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी। गली में आए दिन तुम देखो गुंडागर्दी, गुंडागर्दी क्या आते हैं यहाँ तला भी 10-1 महीने में कम से कम 4 दफे तो फायरिंग हो गई यहाँ पे। फायरिंग हुई है, लेकिन पे रिपोर्ट भी गई है, पेपर में न्यूज़ भी आई है उसका कोई। रात 3 दिन पहले भी फायरिंग हुई है। रात को भी थाने में फोन करा है, आप बताओ यहाँ आए दिन बिल्कुल। लेकिन जान से ऊपर तो नहीं है ना, अगर हमारी जान पे ही बनाएगी तो हमें तो जाना पड़ेगा, हमें व्यापार बंद करने पड़ेंगे, नई जगह जाना पड़ेगा, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी। नॉर्मल सड़क नहीं है ये, मोहल्ला है, लेकिन इसमें से हाई स्पीड पे अगर बाइक कोई निकालेगा या अपनी कार निकालेगा या ट्रक निकालेगा तो हमारे लिए यहाँ पर अपने घर से बाहर निकल कर सामने वाले घर में जाना मुश्किल होगा। साल 2016 तो सबको याद होगा जब उत्तर प्रदेश के कैराना में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा देश की संसद तक पहुंचा था। उस मामले को लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आई, कई कमेटियां बनाई गईं और आखिरकार कैराना का जिन्न कहां गुम हो गया कोई नहीं जानता। लेकिन अब एक बार फिर से कैराना जैसे हालात, अफवाहें और कानाफूसी की खबरों ने सोचने पर मजबूर किया है। तमाम सवालात आकर खड़े हो गए हैं। खबर यूपी के मेरठ से है जहां यह मकान बिकाऊ है के इश्तिहार हर दूसरे और तीसरे मकान पर चिपका दिए गए हैं। मेरठ के प्रहलाद नगर में रामराज आ गया है। सीएम योगी की पुलिस ने ऐसी कानून व्यवस्था बनाई है कि उसको जितने अवार्ड दिए जाएं कम है। एक तरफ शहर में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, रोज छीना झपटी से लेकर लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मेरठ की पुलिस ने कानून व्यवस्था को नियंत्रण में कर लिया है। सरकार गुणगान में बिजी है, मेरठ में लोगों की जान आफत में फंसी है। मेरठ के प्रहलाद नगर में रहने वाले लोग कुछ ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं कि नहीं पता कि कब पलायन की नौबत आ जाए। उन्हें नहीं पता कि कब उन्हें अपनी मेहनत की कमाई से बनाया हुआ मकान बेचने की नौबत आ जाए। आरोप है कि अराजक तत्व गली मोहल्लों से गुजरते हैं, छेड़खानी करते हैं, स्टंटबाजी करते हैं, महिलाओं और बच्चियों को तंग करते हैं। भाई यही माहौल गंदा है और क्या, बस लड़के छेड़ा छेड़ी करते हैं और क्या, कुछ नहीं होता। सामाजिक तत्व यहाँ पर आते हैं और बाइकों पे स्टंट करते हैं, हड़दंग करते हैं, तो इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ की जो लेडीज़ हैं उसका निकलना भी जो है ना भारी हो जाता है और बहुत दिक्कत की
सामना हम लोग करना पड़ता है यहाँ पर, तो इसलिए ये जो मकान का वो है सिलसिलेवार जो है ये स्टार्ट हो गया है। बिल नहीं आते, वैसे वो एक राउंड ले लिया, फिर 15 दिन में बहू बेटियाँ पहले बृहस्पति को, मंगल को, लड़कियाँ कोई सेफ नहीं है ना मंदिर में जाती। चल लड़कियाँ निकलती हैं तो छेड़खानी, रात को मैं निकल रही थी तो भी हमारे आगे ऐसे आ गए मुसलमान, तो हम तो बड़े हैं एजिड हैं तो बच्चों की रखवाली कैसे होगी। लगातार इस मामले की शिकायत पुलिस से की जाती रही, जब कुछ नहीं हुआ तो नमो ऐप का सहारा स्थानीय लोगों ने लिया और उसके बाद जागी और पुलिस अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। हालात और बिगड़े तो अधिकारी मौके पर पहुंचे, जायजा लिया और सारे विवाद को अफवाह बता दिया। कैसे तैनात हैं, विकट भी व्यवस्था कर दी गई है और हम लोग आते जाते रहते हैं रात में, तो कहीं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। प्लान की बात कर रहे हैं, कहाँ मकान जाए आप देखिए, देखो किसी का मकान अगर वो बिका है वो उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस कारण से कौन परिवार पहले कब बिका, कितने साल बिका, क्यों बेचा, वो तो अलग मैटर है। मकान बिकना किसी का वो तो अलग मैटर है और प्लान की बात है वो बिल्कुल नहीं है, सब यहाँ शांतपूर्वक रख रहे हैं। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर खाना पूर्ति कर ली है। जिस हिसाब से पूरा सरकारी अमला प्रहलाद नगर पहुंचा, लगने लगा था कि अब तो समाधान तय है, लेकिन समाधान कब होगा ये कोई नहीं जानता। फिलहाल प्रहलाद नगर में उपजे हालात सही इशारा नहीं कर रहे। सांप्रदायिक सौहार्द जिसकी बात हर कोई करता नजर आता है, ये हालात उसके लिए भी खतरा है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को सतर्क होकर इसका एक सही समाधान निकालना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में शहर की फिजा खराब होने के पूरे हालात बन सकते हैं। कल भी अपना दैनिक जागरण के लोग यहाँ पे आए थे, उनके सामने ही यहाँ पर सामान लाद के लोग जा रहे थे, उन्होंने फोटो खींचा कि ये क्या हो रहा है, हम तो मकान छोड़ के जा रहे हैं, वो छोड़ के चले गए मकान, कई लोगों ने बोर्ड भी लगा दिए हैं। गली खाली हो रही है, इसमें देखो कि गली में सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी, गली में आए दिन तुम देखो गुंडागर्दी क्या आते हैं यहाँ तला भी, दस एक महीने में कम से कम चार दफे तो फायरिंग हो गई यहाँ पे, फायरिंग हो रही है। आपने लिखित में रिपोर्ट भी रिपोर्ट भी गई है, पेपर में न्यूज भी आई है, उसका कोई रात तीन दिन पहले भी फायरिंग हुई है, रात को भी थाने में फोन करा है, आप बताओ यहाँ आए दिन बिल्कुल, लेकिन जान से ऊपर तो नहीं है ना, अगर हमारी जान पे ही बनाएगी तो हमें तो जाना पड़ेगा, हमें व्यापार बंद करने पड़ेंगे, नई जगह जाना पड़ेगा, नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। नॉर्मल सड़क नहीं है, ये मोहल्ला है, लेकिन इसमें से हाई स्पीड पे अगर बाइक कोई निकालेगा या अपनी कार निकालेगा या ट्रक निकालेगा तो हमारे लिए यहाँ पर अपने घर से बाहर निकल कर सामने वाले घर में जाना मुश्किल हो गया है। राम मंदिर से लेकर धारा 370, गंगा से लेकर राष्ट्रवाद की चाशनी में देश ऐसा डूब गया कि देश के सारे बुनियादी मुद्दे गौण हो गए। लेकिन जो खबर मेरठ से सामने आई उसने खुद को हिंदुओं का पुरोधा बताने वाली पार्टी के नेताओं की पोल खोल कर रख दी है। मेरठ में प्रहलाद नगर के लोगों की समस्या जायज है और इसका फौरी समाधान निकालने के लिए पुलिस ने इलाके में CCTV कैमरा लगवाने की बात कही है, लेकिन सवाल आकर खड़ा है खतरे में आखिर कौन है, ये आपको सोच रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में स्थानीय सांसद का भी जवाब चिंताजनक दिखाई देता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.TV।